अस्सलामुअलैकुम जी, आई एम डॉक्टर शिजा, फिजियोथेरापिस्ट एंड कैरोप्रैक्टर। अच्छा, मेरी यूज़ का मकसद ये होता है कि आप तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सके, आप तक हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो मैं इजीली पहुंचा दूँ, ताकि आप लोग ये कुछ एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें आप खुद भी इसकी मालूमात रख सकें। अच्छा जी, क्योंकि हम लोग जो है डॉक्टर्स के पास तो चले जाते हैं, लेकिन हमें अपनी कंडीशन का खुद पता नहीं होता, तो बेहतर ये रहता है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, तो आप अपनी कंडीशन को थोड़ा सा सर्च करके जाएं, देख कर जाएं कि आपको क्या मसला चल रहा है। अच्छा, मेरी इस वीडियो का मकसद एक दूसरा ये भी होता है कि स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, DPT कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, और वो इस चीज़ों को, इन कंडीशंस को, इन एक्सरसाइजेस को स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं और इजीली जानना चाहते हैं, तो वो ये सब वीडियोस देख सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चे तो खैर मासूम होते हैं, हम लोग किसी भी एज में देख लें, तो जो हमारी सोसाइटी का मेन फैक्टर है कि इंस्टीट्यूट में बच्चों को भेजना, और उसके बाद है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं वहाँ पर जितने भी टीचर्स होते हैं, उस्ताद का एक रुतबा होता है, जो कि आज जो है उस्ताद अपनी उस रुतबे पे कायम नहीं है। क्योंकि रुतबा इसलिए होता है कि उस्ताद अपना कहा जाता है अपने हाथ काट के अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो मेरी इन वीडियोस का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें इजीली पहुंच सकें और इसको फर्दर सर्च कर सकें। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर ब्लंडर ये कर देते हैं कि हमारे टीचर्स ने ये नहीं सिखाया, हमारे टीचर्स ने वो नहीं सिखाया। अगर उस्ताद आपका उस रुतबे पर कायम नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी फील्ड से, अपने प्रोफेशन से ईमानदारी करें और उन सब चीज़ों को आप लोग खुद सर्च करें, क्योंकि आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ह्यूमैनिटी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, इंसानियत को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आपको चाहिए कि आप खुद से बेहतर से बेहतरीन करें। तो हमारे यहाँ पर उस्ताद का भी मकसद ये होता है कि क्योंकि ये हमारी फील्ड का ही स्टूडेंट है, तो इसको हमने आगे नहीं जाने देना, इस तरीके से गिरा देना है। तो फिर ये तो हमारी सोसाइटी की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमने इसी सोसाइटी में रहते हुए खुद को बेहतर करना है और अपनी सर्विस बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को प्रोवाइड करनी है। हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने से बेहतरीन करें, ताकि जो है लोग एक कभी ना कभी हमारा एक नाम याद रखें। तो आप लोग इन सब वीडियोस को देखा करें, कोशिश किया करें इन सब वीडियोस को शेयर करने की, क्योंकि इन वीडियोस को शेयर करके आप लोगों तक एक छोटा सा मैसेज, आप अपनी भी एक अच्छा काम करेंगे कि आप लोगों तक एक छोटा सा मैसेज पहुंचाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।